अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर 64 दिन बाद एक बार फिर से जानलेवा हमला की कोशिश हुई। जिस समय उन पर हमले की कोशिश हुई उस समय ट्रंप फ्लोरिडा में इंटरनेशनल गोल्फ क्लब में खेल रहे थे। सीक्रेट सर्विस ने जानकारी दी है कि ट्रंप सुरक्षित हैं। एफबीआई ने कहा कि वो इस घटना को हत्या की कोशिश के तौर पर देख रहे हैं। अधिकारियों ने कहा कि संदिग्ध के पास एक नली वाली AK-47 जैसी राइफल और एक ग्रोपो कैमरा मिला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स को झाड़ियों में एक राइफल की नली दिखाई दी है। इसके बाद एजेंट ने उस पर गोली चलाई। तब ट्रंप और हमलावर के बीच की दूरी करीब 300 से 500 मीटर के बीच थी। सीक्रेट सर्विस के मुताबिक अभी तक पता नहीं चल पाया है कि ट्रंप पर गोली चली थी या नहीं। संदिग्ध की पहचान 58 साल के बयान रॉथ के तौर पर हुई है। आपको बता दें कि इसी साल 13 जुलाई को अमेरिकी राज्य पेंसिल्वेनिया के बटलर शहर में चुनावी रैली के दौरान ट्रंप पर फायरिंग हुई थी और इसमें गोली उनके कान को छूते हुए निकल गई थी।